आइए दोस्तों, आज हम आपको अपर लोअर और प्रॉपर केस समझाते हैं। देखिए, जैसे ये फर्स्ट नेम है हमारा, तो इसको पूरे को अपर केस में कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे अपर अपर। जैसे ही हम अपर लिखते हैं तो देखिए दोस्तों, नीचे में अपर शो हो गया है। उसके बाद दोस्तों हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें अपर बनाना, अपर केस बनाना है। उसके बाद हम उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे दोस्तों और एक एंटर लगाएंगे। देखिए, ये जो राधा नाम था ये अब अपर केस में आ गया है। और इन सब को करने के लिए इसे ड्रैग कर देंगे दोस्तों नीचे। देखिए, आ गए सारे के सारे हमारे पास। अब सभी नेम अपर केस में होके आ गए हैं दोस्तों। चलिए अब लोअर केस देख लेते हैं। लोअर केस में देखिए, ये जो हमारा लोअर केस है राधा, इसको प्रॉपर लोअर केस में बना देते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इज इक्वल टू, फिर उसके बाद लिखेंगे लोअर। लोअर लिखते ही हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें लोअर बनाना है, तो लोअर लिख के उसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे हम और एक एंटर लगाएंगे दोस्तों। और उसके बाद उसे ड्रैग करके नीचे तक खींचेंगे ताकि उसके सारे फॉर्मेट को पहचान ले, जो भी नाम है उन्हें लोअर केस में बना दे। और देखिए, इसने बना दिया है दोस्तों लोअर केस में। अब प्रॉपर केस देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद हम प्रॉपर लिखेंगे और हमारा सिंटैक्स आ गया है दोस्तों। उसके बाद हम उस वैल्यू को चुनेंगे। देखिए, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम इसको एक एंटर मारेंगे और देखिए हमारा प्रॉपर आ गया है, जिसमें एक स्टार्टिंग का जो लेटर है वो अपर होता है और लास्ट के जो होते हैं वो लोअर होते हैं। इसको प्रॉपर केस कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसको ड्रैग कर देते हैं दोस्तों। देखिए, इसने अपना फॉर्मेट पहचान लिया है और सभी को भर दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम अपर केस के साथ कॉन्केट फंक्शन का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम अपर, और देखिए हमारा अपर आ गया है। अब इसके अंदर हम कॉन्केट लगाएंगे दोस्तों। हमारा कॉन्केट भी आ गया है दोस्तों। अब इसके अंदर हम अपना कैरेट टैक्स वन, तो हम फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा ओपन और एक स्पेस देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज लगाएंगे, फिर एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद टैक्स थ्री मांगा यानी कि लास्ट नेम हम देंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक और ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, और अब हम एंटर मारेंगे तो देखिए हमारा नाम आ गया है जो कि अपर केस में आ गया है। अब इसको ड्रैग करेंगे और देखिए ये पूरा अपर केस में आ गया है और कॉन्केट होके। ओके दोस्तों, अब दोस्तों लोअर केस के साथ हम कॉन्केट फंक्शन का यूज देख लेते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू लगाते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोअर लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं कॉन्केट। कॉन्केट आ गया है दोस्तों। उसके अंदर अब हमसे कह रहा है कि टैक्स वन, जो हमारी टैक्स वैल्यू है जो कि हमारा है फर्स्ट नेम, उसे सेलेक्ट करते हैं, एक कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करते हैं दोस्तों, फिर एक स्पेस देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को बंद करते हैं दोस्तों, फिर एक कॉमा लगाते हैं। अब कह रहा है टैक्स थ्री, जो कि हमारा है लास्ट नेम शर्मा, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों एक ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हम दो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं दोस्तों। अब हम एंटर मारेंगे तो देखिए ये हमारा लोअर केस में आ चुका है। अब इसको ड्रैग करेंगे दोस्तों और देखिए ये सभी नेम हमारे लोअर केस में आ चुके हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अब दोस्तों प्रॉपर केस के साथ कॉन्केट का यूज देख लेते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे दोस्तों, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर और उसके बाद हम लिखेंगे कॉन्केटिनेट। कॉन्केट आ गया दोस्तों। इसके बाद कह रहा है टैक्स वन, तो हम टैक्स वन में दोस्तों ये वाला टैक्स ले रहे हैं और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे दोस्तों, ओपन, एक स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे दोस्तों, एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद टैक्स थ्री मांग रहा है तो हम ये सिटी में से देंगे दोस्तों। उसके बाद हम एक ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद एक और ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो फॉर्मूले हैं दोस्तों। उसके बाद एंटर करेंगे तो देखिए इसने हमें प्रॉपर केस में कॉन्केट करके दे दिया है। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और देख लीजिए ये हमारा डाटा आ चुका है दोस्तों। ओके, थैंक यू।